हेलो एवरीवन, आज हम देख रहे हैं दीपक फर्टिलाइजर का शेयर। ये है आपका दीपक फर्टिलाइजर का डेली चार्ट, और डेली चार्ट पे आप देखिए आपका ये था अक्टूबर 2022 के अंदर। ये इसका जो हाई था वो करीब करीब आपका लगभग 1050 के आसपास ये इसने हाई बनाया था, ठीक है। उसके बाद में देखिए पूरा कंटिन्यूसली आपका देखिए डाउन ट्रेंड में आया, डाउन ट्रेंड में आके इसने बॉटम बनाया करीब करीब 510-15 के आसपास, ठीक है। ये वाला लेवल देखिए यहाँ पे एक दो और तीन बार लगभग ऑलमोस्ट इसी लेवल पे, हल्का सा ऊपर है बट ऑलमोस्ट 3 से 4 बार इसी लेवल पे आके इसने वापस से नीचे सपोर्ट लिया है। और देखिए आप ये लगभग आपका मार्च से अगस्त महीने तक, तो ये 5-6 महीने बीच में जो है इसने एक साइडवेज ट्रेंड में, डाउन ट्रेंड के बाद में एक साइडवेज ट्रेंड दिखाया। और देखिए आप अगर पीछे भी देखेंगे तो यही वाला जो लेवल था ये देखिए आपका पीछे जो फरवरी 2022 में, तो यहाँ पे भी मल्टीपल टाइम्स इसने इसी लेवल पे सपोर्ट लिया था और यहाँ से फिर एक बड़ा मूव ऊपर इसने दिया था, तो करीब करीब 500 से ये 1000 तक गया, ठीक है। अब सिमिलर सिचुएशन यहाँ पे भी बन रहा है, देखिए आप अगर देखेंगे तो वही लेवल्स पे आके फिर से सपोर्ट लिया है। और यहाँ से अब देखिए ये एक लेवल था जो लगभग 610-15 के आसपास, जहाँ से इसने एक हल्का सा ब्रेकडाउन दिया था, वापस उसी लेवल के आसपास इसने एक बार और यहाँ पे एक रेंज बना के यहाँ पे एक मतलब यहाँ पे सपोर्ट भी लिया था और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी इसने 2-3 बार लिया था। ये एक लेवल था, उसके ऊपर इसने क्लोजिंग दिया है और फिलहाल ये 666 का लेवल पे ट्रेवल कर रहा है। यहाँ से अब हम देखिए दो तीन चीज़ें हैं। एक तो देखिए आप RSI अगर देखेंगे तो RSI भी देखिए आप अगर पिछले 5-6 महीने में तो लगातार RSI में भी हायर लो बन रहा है और जो प्राइस है उसमें भी हायर लो, मतलब जो प्राइस और RSI है दोनों एक दूसरे से कोऑर्डिनेट कर रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है और RSI भी रिलेटिवली स्ट्रेंथ जो है वो भी बढ़ रहा है। साथ में अगर देखेंगे तो इसका जो प्राइस है अभी 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर वापस आ चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए ऊपर की साइड में वापस अगर ये वापस इसके ऑल टाइम हाई तक जाता है तो यहाँ पे अपन को काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर डाउन साइड में हम अगर रिस्क देखें तो काफ़ी एक लिमिटेड सा रिस्क है। यहाँ से इसके टारगेट्स देखने से पहले एक बार इसके फाइनेंशियल्स भी देख लेते हैं कि कंपनी कैसा क्या प्रॉफिट कर रही है। ये है अभी देखिए कंपनी का स्टॉक का पी जो है चल रहा है वो है 9.5 का पी है, ठीक है। और अगर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें तो 26% और रिटर्न ऑन इक्विटी है 27%, ठीक है। दोनों यहां से काफ़ी अच्छा प्रॉफिटेबल कंपनी है। और अगर ये हम इसका देखें कि नीचे क्वार्टरली जो रिजल्ट्स है उसमें देखेंगे तो इस बार का जो जून का क्वार्टर का रिजल्ट है उसमें पिछले कुछ क्वार्टर्स से एकदम थोड़ा डिप देखने को मिला है, ठीक है, ये वाले क्वार्टर में। बाकी पिछले 3-4 क्वार्टर में था तो काफ़ी एक स्टेबल प्रॉफिट दिख रहा था। और अगर ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें इसका प्रॉफिट्स तो देखिए ईयर ऑन ईयर में कोई भी हमको डिप देखने को नहीं मिला है, ठीक है। 2020 में देखिए आप 21 में 900 करोड़, 22 में 1300 और 2023 में 2165 करोड़, ठीक है। और फिलहाल पिछले जो 12 महीने के अंदर है वहाँ पे भी अभी लगभग 1700 करोड़ के आसपास इसमें आ चुका है प्रॉफिट। यहाँ से कंपनी ईयर ऑन ईयर यहाँ पे काफ़ी प्रॉफिट और सेल्स वगैरह इंक्रीज करते हुए दिख रहा है। और प्राइस भी एक काफ़ी एक डिसेंट लेवल, एक मतलब यहाँ बोल सकते हैं कि सपोर्ट एरिया से यहाँ पे 510 पे सपोर्ट लेके और फिर से वापस इसके जो एक हाई था इसका टेम्परेरी जो इसने देखिए एक साइडवेज ट्रेंड में जो हाई बनाए थे इसने लगभग ये देखिए 610-15 के आसपास, उस लेवल को ब्रेक किया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे हम इसको लॉन्ग साइड में इसको देख सकते हैं और उसका जो रिस्क है वो कितना होगा और आगे इसका जो रिवार्ड होने वाला है वो कितना होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए अभी ये प्राइस है पिछले काफ़ी 8-10 दिन से देखेंगे अगर इसको तो लगातार इसने ग्रीन कैंडल बनाता हुआ गया है, ठीक है। एक बार यहाँ से लग रहा है कि ये वापस रिट्रेसमेंट इसका जो होगा वो 610-15 के आसपास वापस आ सकता है पॉसिबली, क्योंकि ये लगातार सीधा सीधा तो जाने से रहा तो एक बार लगता है कि वापस से इसका जो ये 200 डे मूविंग एवरेज है और जो 20 डे मूविंग एवरेज है इनके बीच में कहीं पर आपका मतलब 620-15 के आसपास वापस इस लेवल पे आ सकता है और ये एक रीटेस्ट कर सकता है इस लेवल को। यहाँ से अगर इस लेवल पे आता है तो वहाँ से हमारा बहुत अच्छा एंट्री होगा। और अगर करंट लेवल से भी देखें तो ये देखिए आप करंट लेवल है 666, यहाँ 666 से देखेंगे तो यहाँ पे ये जो सपोर्ट एरिया जो बनेगा एक वो आपका लगभग 8-9% का एरिया बनेगा, ठीक है। अगर हम 615 देखें तो लगभग 7.5% दिखा रहा है बट ये 7-8% के बीच में आपका नीचे सपोर्ट एरिया होने वाला है। और अगर ऊपर टारगेट्स देखेंगे तो टारगेट्स में देखिए आपका ये जो एरिया था एक 800 का एरिया जो यहाँ पे मल्टीपल टाइम देखिए आपने यहाँ पे एक
वन मंथ के लगभग आसपास यहाँ पे करीब करीब ये एक पूरा साइडवेज रहा था, एक हल्का रेंज में रहता, तो अगर वहाँ तक उस रेंज तक जा रहा है तो भी कम से कम हमको 800 के आसपास लगभग 20-21% का मूव देखने को मिल सकता है। और अगर इसका वापस से अगर हम इसका ऑल टाइम हाई तक का अगर टारगेट निकालें तो वहाँ लगभग आपका मोर देन 55% आपको मूव मिल सकता है। सो टाइम हम इसमें बता नहीं सकते कि कितना टाइम लगेगा, बट यहाँ से अगर आपका ये वाला लेवल अगर जो है 610-15 का लेवल अगर ये ब्रेक नहीं होता है ना, तो आपको ये वाले टारगेट्स देखने को नेक्स्ट 6-12 महीने में आपको मिल सकता है ये वाला टारगेट। सो ये था आपका दीपक फर्टिलाइजर का शेयर, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।